ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल संस्कृति ज्ञान में। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन देवी दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा का विधान है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ का यह स्वरूप सौम्य और शांति से भरा हुआ है। आज के दिन माँ के इस स्वरूप की विधिवत पूजा करने से जीवन में सुख और सौभाग्य बढ़ता है। आइए जानते हैं साल 2023 में शारदीय नवरात्रि की तृतीया तिथि कब है, तीसरे नवरात्रि व्रत के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, माता चंद्रघंटा का स्वरूप, पूजा विधि, माँ के प्रिय रंग, भोग, फूल, मंत्र और इस दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय क्या हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ चंद्रघंटा के स्वरूप की अगर बात की जाए तो माँ दुर्गा का यह रूप बेहद ही सुंदर, मोहक, अलौकिक व सोने के समान तेजवान है। माता के 3 नेत्र, 10 भुजाएं हैं। इनके हाथ में कमल का पुष्प, गदा, बाण, धनुष, त्रिशूल, खड़ग, चक्र, खप्पड़ सुशोभित हैं। माँ शेर की सवारी करती हैं। माता रानी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्ध चंद्र होने के कारण ही इन्हें देवी चंद्र घंटा कहा गया है। नवरात्रि के तीसरे दिन व्रती को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। स्वच्छ वस्त्र धारण कर व्रत का संकल्प ले। अब माँ के प्रिय लाल रंग व भूरे रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा स्थल की साफ सफाई कर अब देवी चंद्रघंटा को स्नान कराएं और तिलक कर धूप दीप जलाकर उनकी सभी प्रिय चीजें जैसे माँ के प्रिय पीले रंग के फूल, सफ़ेद कमल व शंख पुष्पी के फूल, लाल चुनरी, पान सुपारी, रोली, अक्षत, फल फूल अर्पित करें। माँ को सेब, केले, दूध या दूध से बनी मिठाई और खीर का भोग लगाएं। पूजा में ओम देवी चंद्रघंटाय नमः मंत्र का जाप और व्रत कथा पढ़कर आरती करें। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा के समक्ष एक छोटे लाल कपड़े में लौंग, पान सुपारी रखकर माँ के चरणों में चढ़ाएं और देवी के नवार मंत्र का 108 बार जाप करें। माँ चंद्रघंटा के बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। अगले दिन ये लाल पोटली सुरक्षित स्थान पर रख दें या फिर ये सभी चीजें धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं। इससे धन में लाभ होता है। जिस जातक की कुंडली में मंगल कमजोर होता है तो उन्हें माँ चंद्रघंटा की पूजा करनी चाहिए। इस दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करने के बाद घर में शंख व घंटा जरूर बजाएं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साल 2023 में शारदीय नवरात्रि का तीसरा नवरात्रि व्रत 17 अक्टूबर मंगलवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप देवी चंद्रघंटा की पूजा होती है। तृतीया तिथि प्रारंभ होगी 17 अक्टूबर 2023 प्रातः 1:13 पर। तृतीया तिथि समाप्त होगी 18 अक्टूबर 2023 प्रातः 1:26 पर।